हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैक्स आरबी पे। हम लोग ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा का, जो कि हम लोग ने स्टार्ट किया था और मैंने लाइव दिया था। तो लाइव में क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया जिसको सिखा लाइव आगे बढ़ नहीं पाया, तो ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड करके दे दूंगा। ओके, लाइव में हम लोग क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होता है, हमने जितने बेसिक सब किए थे। और क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था कि हमको कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना था, हमने बनाया था। अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है कि जो गिवन इक्वेशन आते हैं, फॉलोइंग जो गिवन फॉलोइंग इक्वेशन दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हमको चेक करके बताना है। तो अपने को पता है कि क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म करता है जनरल फॉर्म ax2 + bx + c = 0। ये क्या अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। और एक चीज देख सकते हो, अगर इनके ऐसा रहा कि ax2 + by + c = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बोलेंगे आप क्यों, बिकॉज देयर आर 2 वेरिएबल और हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर ऐसा केस रहा तो ये और वहां पे इक्वेशन नहीं है, कोई भी दो इक्वेशन होता था हम उसको सॉल्व करते। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही जो फंडा है, रूल है, क्या है, उसका पावर हाइएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और जो जो ये अपना है ना वेरिएबल कितना होना चाहिए, ओनली 1 वेरिएबल। ओके, तो ये क्या है, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ax2 + bx + c = 0। दिस इज आवर फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की, अब देखते इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखो ax2 + bx + c = 0, यानी कि ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि जनरल फॉर्म से मैच करेगा। तो हम लोग लिखेंगे द गिवन इक्वेशन है ओनली 1 वेरिएबल। ओनली देखो यहां पे क्या है, ओनली वेरिएबल है ना, ओनली 1 वेरिएबल विथ हाइएस्ट पावर या तो डिग्री, पावर लिखो या तो डिग्री लिखो, कितना है हाई पावर डिग्री, कितना है 2 है, हाइएस्ट पावर कितना है इसका 2 है। अगर जो हाई पावर 2 है तो क्या रहेगा, गिवन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे लिखेंगे दी गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तुमको पूछा था कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करने का, चेक करने के लिए इसका जो जनरल फॉर्म उसमें है या नहीं, अगर है तो उसका फिर पावर चेक करो, पावर में क्या हाइएस्ट पावर 2 है कि नहीं, अगर 2 है तो डिग्री इक्वेशन साथ क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, तो मैं रखता इसको मैं इतना रहने देता हूँ, देखो क्वेश्चन में चेंज करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि y² = 5y - 10, क्या है y² = 5y - 10। अभी चीज ध्यान से देख सकते हो कि अभी इक्वल टू के उधर है, हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू के इधर सब वैल्यू को ले लेंगे। ओके, इधर वही क्या हो जाएगा, y² + 5y, इधर प्लस कर तो इधर माइनस कर तो +10 = 0। अब इसको वापस चेक करो, मिलाओ x² है, dy है, फिर c है, c ये भी क्या है, ये भी है कि गिवन इक्वेशन है ओनली 1 वेरिएबल विद हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, इसलिए द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी होगा अपना क्वेश्चन, कितना इजी है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि y² + 1/y = 2, मैं इसको पूरा रफ करता हूं क्योंकि जगह थोड़ा कम बन रहा था। क्या है y² - 1/y = 2,
आपको दो रास्ते, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या तो जो भी अपॉन में है उसी चीज से क्या करो ऊपर सब जगह क्या करो उसी चीज से मल्टीप्लाई करो। तो दो ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या तो जो अपॉन में रहेगा उसी से क्या करना है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वाई इंटू वाई स्क्वायर करता है वाई का क्यूब प्लस वन इंटू वन वन होता है और ठीक है वाई प्लस वाई इंटू वन वाई होता है इक्वल टू। देखो ये इधर क्या है डिवाइड इधर तो हो जाएगा इनटू में तो जाएगा वाई क्यू प्लस वन इक्वल टू टू वाई। अभी देखो ये इधर प्लस इधर तो माइनस का क्योंकि हमारे क्या है वन सेट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। अपना फॉर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, अपने को इस फॉर्म में चाहिए। इसको आगे ले लेता हूं मैं तो वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई प्लस का वन इक्वल टू जीरो। अब देखो इस फॉर्म में दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कंडीशन इसकी क्या है यहाँ पे देखो वाई क्यूब है। तो जब भी हमको बताया क्वाड्रेटिक फंक्शन में जनरल फॉर्म क्या है कि हमको सबसे बड़ी पावर जो सबसे हाईएस्ट इंडेक्स कितनी चाहिए टू इंडेक्स हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए टू, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है थ्री है इसलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है वो बताना पड़ेगा। सेम जैसे हम लिखे थे देखो दे गिवन इक्वेशन हैव ओनली वन वेरिएबल, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे क्या है ओनली वन वेरिएबल है ना वाई वाई है विथ हाईएस्ट पावर कितना है हाईएस्ट पावर कितना है थ्री। अब जब भी हाईएस्ट पावर थ्री रहेगी तो क्या रहेगा थ्री गिवन इक्वेशन आर नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो इसलिए द गिवन इक्वेशन इज फिर हमको चेक करना है अगर जो सबसे जो हाईएस्ट पावर है सबसे बड़ी घात है अगर जो टू आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे ज्यादा आया उससे कम आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके चलो मैं इसको इतना लिखा नहीं देता हूँ मैं ये इक्वेशन सीरियस करता हूँ। अब इक्वेशन देखो क्या लिखा है थर्ड फोर्थ वन दिया है एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स फोर्थ वन क्या दिया है फोर्थ वन दिया है एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे टू दिया माइनस टू था क्वेश्चन माइनस ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सेम चीज बन रही है वहां पे वाई स्क्वायर था यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या करें सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो मैं यहाँ पे करता हूँ दूसरी मेथड से दूसरा मेथड ये है कि आपको जो भी यहाँ पे उसे सीधा करो मल्टीप्लाई करो तो देखो मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड मुझे दोनों साइड में क्या करना है एक्स से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करूंगा प्लस वन अपॉइंट एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करूंगा इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स तो भैया एक्स और एक्स क्या लेंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या बचेंगे प्लस वन इक्वल टू माइनस टू एक्स अभी टू एक्स माइनस कर तो प्लस हो जाएगा तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो इसके फॉर्म में बन गया कि नहीं एक्स स्क्वायर प्लस का बीस प्लस इक्वल टू जीरो यहाँ पे चेक कर लो आप एक्स स्क्वायर प्लस बीस प्लस इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको बताना पड़ेगा द गिवन इक्वेशन है ओनली वन वेरिएबल वो वेरिएबल क्या है आप चाहो तो ले सकते हो ओनली वन वेरिएबल वो वेरिएबल क्या है एक्स है अगर आप लेते हैं तो भी चलेगा नहीं तो भी चलेगा। ओके क्या है वेरिएबल एक्स है विद द हाईएस्ट पावर कितना इसका हाईएस्ट पावर टू है तो हम यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे हम चेंज कर देंगे टू है। ओके जब हाईएस्ट पावर टू है टू रिजल्ट करता है द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके अब बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर फाइव तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ इसको इरेज करता हूँ उसके बाद मैं क्वेश्चन लिख के सॉल्व करता हूँ। ओके फिर देखो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या होता है m प्लस टू और m माइनस फाइव तो यहाँ पे है m प्लस टू और m माइनस फाइव यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर फाइव इज इक्वल टू जीरो दिया है जीरो। अब देखो यहाँ पे टू 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 ब्रैकेट क्या करें टू ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करो। ओके तो
तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो अब जब भी ऐसी सिचुएशन आए हम, देखो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर ले लो, हाँ पूरे ब्रैकेट का नंबर, तो m इनटू m माइनस 5 पहला काम, फिर बचेगा प्लस 2, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन से करेंगे m माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन के सेकंड, फिर सेकंड नंबर का सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या का दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या का दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन। ओके, और देखो मल्टीप्लाई करो, m इंटू m, m का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, 5 इंटू m, 5m, प्लस 2 इंटू m, 2m, और देखो 2 और माइनस है तो माइनस, 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये m स्क्वायर तो ऐसे ही रहने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी क्या है, 5m और 2m। ओके देखो 5m क्या है, माइनस में, 2m क्या है, प्लस में, तो प्लस माइनस करता है सब माइनस होता है। ओके, कब तक प्लस माइनस, माइनस होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3, जो कि बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा दोनों में कौन सा है, माइनस 5 है, तो जो साइन है किससे आएगा, 5m का आएगा। ओके, यहाँ का आएगा माइनस 3m माइनस 10 टू 0। आगे अपना देखो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब चेक करो इस फॉर्म में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 के, है ऑफ कोर्स है। अब चेक करो हाईएस्ट पावर 2 है इसका, तो 2 है ना, इसको हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो सेम लिखना पड़ेगा, द गिवन इक्वेशन है ओनली वन वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल क्या है, m है, विद द हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है, जब हाईएस्ट पावर 2 रहता है तो जो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके समझा, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी है, हमको चेक करना जो भी दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपॉन में दिया रहेगा, अपॉन में दिया रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट में दिया रहेगा उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हमको क्या करना, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमको चेक करना है, इस फॉर्म में लाना है। अगर जो सबसे बड़ी पावर इतना नीचे 2 रहा तो क्या गिवन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर बड़ी पावर 2 नहीं रहा तो क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उससे अगर ऊपर गया तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेस देन आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब क्वेश्चन एक और बचता है, एम क्यू प्लस का 3m स्क्वायर माइनस 2m, तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, एम क्यू प्लस का 2m, एम क्यू प्लस का 3m स्क्वायर माइनस 2, 3 है, 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m क्यू, ऐसा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हमको, अब तो करना हमको। ओके, अब जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पावर में क्या है, 3 है, फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी हमको क्या करना, सॉल्व करके तो बताना है, रीजन भी बताना है कि है या नहीं। ठीक, सबसे पहले काम इसको करके इधर ले लो, ये है एम क्यू प्लस का 3m स्क्वायर माइनस का 2 इधर आया तो कह रहा है माइनस 3m स्क्वायर इधर आ गया, जीरो तो माइनस है प्लस 3 में से 1 क्या होगा, माइनस होगा कितना होगा 2 है। ओके, यहां हो जाएगा 2m स्क्वायर, देखो ये 3 बड़ा ग्रेटर है इसके लिए माइनस का साइन, फिर यहाँ पे क्या बचे प्लस 3m स्क्वायर, फिर क्या बचे यहाँ पे माइनस 2 0। अब एक चीज चेक करो, हमने क्या किया इस फॉर्म में ले लिया है, आप चाहो यहाँ पे लेकिन पावर में 3 है, यहाँ पे पावर कितना है 3, जल्दी से पावर कितना है 3। ठीक, अब देख लो ये इस फॉर्म में है क्या, नहीं ये क्यूबिक के फॉर्म है, क्यूब इसके पावर 3 की पावर, इसके लिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बस हमको लिखना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन है ओनली वन वेरिएबल, विद वेरिएबल क्या है एम है, और विद की हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, यहाँ पर हम लोग कर देंगे 3, और फिर बताना है कि गिवन इक्वेशन इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। ओके, सो मॉडल करो, फिर करते हैं आगे, अगर क्वेश्चन नंबर 2 था फिनिश हो गया है, अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस का bx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या है अपना जनरल फॉर्म है, ओके स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंड राइट द वैल्यू ऑफ द a b c, जो इसको जो मैंने बेसिक में बताया था कि कोई भी मतलब लीनियर पॉलीनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, उससे क्या कहता हूँ एबीसी का वैल्यू कहता, सेम कट टू कट वही काम करना है,
तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्या इक्वल टू है, सीधा करो, जैसे ले लेता हूं मैं सबको, तो जगह 2y, ये देखो प्लस ही रहता है, -10 देना तो प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू का 0। अब सो करो अरेंज करना, तो पहले क्या है y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये होता है देखो, अभी देखो इस फॉर्म में दिख रहा है x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये देखो इसका जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म दिख रहा है, ये अपना पहला काम होता है। अब यहाँ इसको दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहाँ पे लिखा मैं दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हम कुछ और बोला है कि हमको बताना है क्या है, इससे कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, इक्वेशन क्या जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। अब मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा, हमारा वैल्यू क्या आएगा चेक करूं। यहाँ पे देखो वाई के सामने क्या कुछ नहीं, तो एक वैल्यू क्या गया 1 आ गया, बी का वैल्यू क्या है, बी के सामने क्या 2 है, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, सी के सामने क्या है 10, दोनों 10 भी लिखेंगे, इसका साइन के साथ भी लिखेंगे, क्या माइनस है माइनस। ओके तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा पहले क्या आता है क्वेश्चन वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 10, एक काम हो गया। दूसरा क्या आता है एबीसी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 1 आया है, बी का वैल्यू कितना है 2 आया है, सी का वैल्यू कितना है माइनस 10, इसे क्या है इसे आप फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मजेदार है, इसको क्या करना है चीजें को एकदम तरीके से करना है, बिठा बिठा करना, स्टेप बाय स्टेप करना, हमको कहीं जंप नहीं करना। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबको वन साइड ले लिया, वन साइड हमने 0 कर दिया, सब वैल्यू वन साइड ले लिया। अब क्या क्या फिर से इसको अरेंज कर लिया, पहले एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, बी एक्स एक्स प्लस का सी सी, फिर हमने चेक किया कि क्या है ये इस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। जब ऐसा आ गया है तो हम बता दें दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, मिल गया पहला का। फिर दूसरा क्या बोला आपको, कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करना, तो देखो ऑन कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन क्या, जनरल फॉर्म लिखो तो जनरल इक्वेशन को, नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का बेस प्लस इक्वल टू 0, इस समय क्या है कंपेयर किया इस इक्वेशन को, तो देखो एक वाले आपको सिर्फ 1 हो गया, एक वाले को 2 हो गया, सी का वैल्यू क्या माइनस। ओके तो आप कंपेयर कर लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं लोग। दोस्तों देख रहे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस का 3, इसको भी सेम काम करना है, जिसका जनरल फॉर्म इसमें कन्वर्ट करना है, फिर उसको क्या करना है इसी से कंपेयर करके ए बी सी का क्या करना है वैल्यू फाइंड। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम बताया सबसे पहला काम क्या करना हमको, ये देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। तो अपना देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, फॉर्मूला हमको इसको फॉर्म में करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2x इंटू 1, तो यानी 2 1 लिख दिया, फिर क्या आएगा प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आने वाला है इक्वल टू 2x प्लस का 3। अब देखो ए एक्स स्क्वायर वैसे आने वाला है 2 इंटू एक्स माइनस 2x, 1 का स्क्वायर 1, अब दोनों प्लस इधर दे दो उसको, दोनों उठा के उठा जाए माइनस 2x प्लस का प्लस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है अरेंज करो, देखो एक्स स्क्वायर देखो एक्स रखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये भी माइनस 2 कर देगा माइनस का 4x हो जाएगा, देखो प्लस 1 है माइनस 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 2 हो जाएगा, इसके लिए बड़ा इसके लिए माइनस इक्वल टू 0। अब देखो आ गया इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या करना है देखो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन बराबर। अब इसका क्या करना है कंपेयर करना है, तो देखो ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करो करो, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, बी का वैल्यू क्या है माइनस का 4, सी का वैल्यू क्या है माइनस का 2। आंसर में सभी तो आंसर में क्या जाएगा, ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2 इक्वल टू 0 पहला काम। दूसरा क्या है
इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस फोर, सी इक्वल टू माइनस टू, ये क्या अपना फाइनल आंसर। ठीक है, देखो कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सेम जनरल फॉर्म में क्या करना है, इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, तो इसी से कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, अब तो क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस एट, फिर ब्रैकेट के अंदर थ्री माइनस एक्स। ओके, हमको सेम काम करना है, इसी से फॉर्म में लाना, चलो लिखते हैं इसको पहले सेम, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स, अब देखो ब्रैकेट के बाहर तो क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस एक्स। पहले काम होगा क्या करना, दोनों को एक साइड करो, क्यों, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या बोलता है, ए वन से जीरो चाहिए, बाकी पीछे से पहले चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स तो माइनस एक्स, अब चेक करो ये एक्स स्क्वायर तो इसलिए वाला एक्स स्क्वायर सेम हो गया, अब देखो ये फाइव एक्स और माइनस एक्स, तो फाइव माइनस एक्स आएगा कितना फोर आएगा। ओके, प्लस का फोर एक्स थ्री वाला इक्वल टू जीरो, अब आगे देख लो आगे ना एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग विच इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, एंड जनरल फॉर्म अपना यही है, आप चाहे तो ऐसा किसी को तो भी चाहे, अब क्या करते हैं हम लिखते हैं ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो वन है, बी का वैल्यू क्या है फोर है, सी का वैल्यू क्या है थ्री, तो आंसर लिखो, आंसर में पहले जो इक्वेशन है उसको लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो, फिर ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू फोर, सी इक्वल टू थ्री, ये क्या है अपना, ये आपका क्या है, इसको क्या लो इन लो। अरे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है, थ्री एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर माइनस का वन, सॉरी माइनस का नाइन, हमको क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में क्या करना बनाना है, तो सबसे पहले मुझे वन से क्या चाहिए जीरो चाहिए, सबसे पहले पूरे पूरे में बना के इधर ले लो, पहले लिखो थ्री एम स्क्वायर इधर प्लस दे रहा है तो माइनस टू एम स्क्वायर इधर माइनस दे रहा है तो प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, अब देखो दोनों पावर सेम, थ्री एम स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर दोनों सेम ही, लेकिन थ्री और एक प्लस है माइनस, हम लोग क्या करेंगे प्लस वाले में से माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो थ्री एम में से टू एम कर देगा वन एम बचेगा, वन को लिखते नहीं है वन एम स्क्वायर प्लस का नाइन, अब यहाँ पे ध्यान से दे सकते हो यहाँ पे एक टर्म गायब है, जो सेकंड टर्म है ना बी एक्स वो गायब है, तो हमको बोला है कि इस फॉर्म में चाहिए, उसके लिए कुछ भी करो मल्टीप्लाई करो कुछ भी करो, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस का जीरो एम प्लस का नाइन इक्वल टू जीरो, हमने क्या किया जीरो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, हमको वैल्यू क्या मिलता है जीरो, इसके हमने क्या किया जीरो से मल्टीप्लाई करें, अब अच्छी ध्यान देखो ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी एक्स बी एक्स प्लस का सी तो जीरो, अब दिख रहा है तो देखो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख दो तो भी चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो रिक्वायर्ड इक्वेशन से लिखेंगे तो भी चलेगा, फिर हमको क्या करना है कंपेयर करना है, देखो ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, अब देखो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है कुछ नहीं तो वन है, बी का वैल्यू क्या है जीरो है, सी का वैल्यू क्या है नाइन, ओके हो गया, अब क्या करना हमको आंसर लिखना है, आंसर में क्या आएगा पहले इक्वेशन लिख दो क्या आया है एम स्क्वायर प्लस का जीरो एम प्लस का नाइन इक्वल टू जीरो, नीचे आ जाओ ए का वैल्यू क्या है वन, बी का वैल्यू क्या है जीरो, सी का वैल्यू क्या है नाइन, क्या है अपना आंसर। हर एक क्वेश्चन को इसी तरह काम करना है, पहला काम क्या करना है वन साइड को जीरो लेना है,
पूरा वन सेट कर दो, जो टर्म गायब है उसको जीरो से मल्टीप्लाई करके क्या कर दो ऐड कर दो, फिर क्या करो जो ये जनरल फॉर्म है अपना जनरल इक्वेशन से क्या करो इसको कंपेयर करो, फिर क्या करना उसको हमको वैल्यू, ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो हम लोग। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोलता है कि देखो ब्रैकेट के बाहर थ्री दिया, टू दिया, ब्रैकेट के अंदर थ्री प्लस सिक्स भी इक्वल टू माइनस फाइव, और जब भी कुछ भी नंबर ब्रैकेट के बाहर आता है कुछ भी चीज है वेरिएबल हो कांस्टेंट क्या करते उसको अंदर एक एक एलिमेंट के साथ है, तो एक एक टर्म के साथ क्या करते मल्टीप्लाई करते हो। ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पी को क्या करेंगे अंदर हर एक के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं पी का मल्टीप्लाई, देखो पी का मल्टीप्लाई थ्री सत्तर मिल जाएगा, पी का मल्टीप्लीकेशन थ्री के साथ क्या जाएगा थ्री भी हो जाएगा, प्लस देखो पी का मल्टीप्लीकेशन सिक्स पी के साथ पी इंटू पी पी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस फाइव, देखो पी इंटू पी हो जाएगा तो पी इंटू पी जाता है सॉरी अब देखो इसको अरेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे पहले सिक्स पी का स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस का थ्री पी इक्वल टू माइनस का, अब माइनस का इधर देता हूँ हो जाएगा सिक्स पी का स्क्वायर प्लस का थ्री पी इधर आएगा तो प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो, एक हम हो गया। अब देखो हमको क्या करना है कंपेयर करना है, देखो इससे हमको क्या करना मैच करो तो कंपेयर करो, कंपेयर करने से मेरे को एक चीज बताना है कि क्या इक्वेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हमको क्या करना है कंपेयर करना है किसके साथ ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, करो कंपेयर ए का वैल्यू क्या जाएगा ए का वैल्यू सिक्स बी का वैल्यू थ्री सी का वैल्यू फाइव, मतलब कितना इजी है कुछ भी हार्ड नहीं है, बस जो बोला है किस कैपेसिटी पर लिखा हो आंसर आंसर लिखना है क्या जाएगा इक्वेशन का सिक्स पी स्क्वायर प्लस का थ्री पी प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना जाएगा सिक्स हो जाएगा हो जाएगा सी का वैल्यू फाइव, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। क्या करो उसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो करते हैं गेम। अरे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू थर्टीन, कितना दिया एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू थर्टीन, तो क्या करना सबसे पहले हम इसको इधर ले लेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन इधर थ्री भी ऐड हो जाएगा माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या करना ये भी नंबर है सबसे पहले ऐसे लिखो देखो माइनस है नौ तीन बार आया यानी कि माइनस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो, अब इसे ध्यान से देखो इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो बीच वाला टर्म गायब है ना बी एक्स वाला, तो हम लोग क्या करेंगे जिसका हम इसके इसके अगले फिफ्थ क्वेश्चन था फिफ्थ आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था ऐड किया था कैसे जीरो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे सेम काम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का जीरो एक्स माइनस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो, अब देखो सिक्स जा रहा है ना एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अब क्या करना है यहाँ पे लिखना है बी रिक्वायर्ड दिस या तो बी रिक्वायर्ड क्वेश्चन या तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, देखो तुम चलेगा देखो दिस इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, क्या जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, कितना वैल्यू को ए का वैल्यू क्या है वन है बी का वैल्यू क्या है जीरो है सी का वैल्यू क्या है माइनस ट्वेंटी टू। ओके अब आ जाओ लास्ट में आंसर लिखते हैं हम लोग, आंसर में क्या करते हैं पहले इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का जीरो एक्स माइनस का ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो, नीचे इसका वैल्यू क्या है वन का वैल्यू ए का वैल्यू वन है बी का वैल्यू जीरो है सी का वैल्यू माइनस का ट्वेंटी टू है, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट।
दोस्तों आज के हम यही रुकते क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंदी रहेगा। अब बाकी के बच्चे क्वेश्चन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप प्लीज हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी आपके मित्र फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा सा उनको कहते हैं उनको भी बोलो कि आके आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही हर चीज आपको एकदम अच्छे तरीके से सिखाई देगी। मैथमेटिक्स में आपको टेंथ की हो एक एक चीज हम लोग बता देंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने दो चैप्टर खत्म किया ज्योमेट्री का और अलजेब्रा हम लोगों ने एक चैप्टर खत्म किया, दूसरा चालू है। तो आप प्लीज हमारे चैनल पर बने रहें और देखते रहे हमारा।